वाली हूँ ऑन द वीडियो रोस्ट ऑफ कैरी मिनाटी बाय धीरू मॉन्टिक। बट बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मिलन लाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। बेटा मौज कर दे। तुम तो बड़े हैवी सुरती बाजो भाई। भाई अगर कोई बंदा अपनी शादी में जयमाला की कुर्सी पे बैठ के 200-300 आदमियों के सामने सुरती खा सकता है ना, तो वो सुरती के लिए कुछ भी कर सकता, कुछ भी। अगर वेंकरिस की होने वाली बीवी ने इसे सुरती खाने से रोका ना, तो ये उससे भी तलाक ले लेगा। का तो हमें पता चल रहा है कि ये चांद छाप सुरती के नशे करता है, लेकिन लेकिन द मेगा सुपर स्टार कमाल आर खान, उनका समझ नहीं आ रहा भाई आजकल कौन से नशे में झूम रहा है वो। के आर के को नहीं जानते तुम? द बेस्ट एक्टर, बेस्ट डांसर, अबे बेटा मौज कर दे, मौज कर दे बेटे, यूट्यूबर। वो बात बस अलग है कि लाइक से ज्यादा डिसलाइक आते हैं वीडियो पर, और कमेंट में दो चार अच्छे कमेंट, बाकी गालियां होती हैं। कमाल आर खान को कैसे नहीं जानते यार तुम? वैसे अच्छा ही नहीं जानते तो इंसान नहीं है वो, एलियन का चौथा अवतार है। तो रिसेंटली रुमाल आर खान ने, जो कमाल आर खान सर है, वो मूवी रिव्यू करते हैं यूट्यूब पे, लेकिन आजकल उन्हें रोस्टिंग करने का बुखार चढ़ा हुआ है। अभी ऐसे ही नहरे गहरे नथु गहरे को नहीं नहीं सीधे मतलब बड़ा हाथ मारेंगे भयंकर, तालाब की सबसे बड़ी मछली पकड़ेंगे। कैरी मिनाती के तू एक्टिंग कर पाएगा? आशीष गेंडे आपकी बहुत बड़ी है। अबे लुखे मीठे मीठे, आप इन मीठों के फैन हैं? आशीष चिंसानी कौन बोला? इतना गंदा गंदा बोल लगा यार इन्ने। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मेरे हो तो इन मीठों के फैन नहीं हो सकते। फैन बनना है तो तुम्हें कमाल आर का बनो, समझ रहे हो? इन मीठों का फैन नहीं बन सकते। मतलब भयंकर हमारे सर जी ने रोस्ट किया, और उस रोस्ट में कुछ नहीं है, कुछ भी जिंदा गाली बक रख दिया, जिंदा उल्टा सीधा बोल रखा है और कुछ भी नहीं है। मतलब भयंकर अगर किसी को जली बुंड की तस्वीर देखनी हो ना, तो केआरके की इन दोनों वीडियो के अंदर उसका चेहरा देख सकता है। बहुत ज्यादा अजीब सी चीज है कि साला 40-50 साल का बुड्ढा जो है 20-25 साल के लौंडो से चल रहा है। बाकी हो सकता है जेलेसी बिल्कुल भी ना हो हमारे कमाल आर खान सर को, बस उन्हें थोड़े से व्यूज चाहिए, तो इसलिए उन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को रोस्ट करना शुरू कर दिया। तेरी बेहर की, तेरी माँ की, तो ये जो रोस्ट वीडियोज है ना, इनको अभी हम रुक के देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक गजब की चीज दिखाने वाला हूँ, एकदम गजब की। क्या तुम्हें पता है हमारा जो कमाल आर खान भैया, उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो भी बनाई है। भैया स्टार्ट में होता क्या है, हमारा रुमाल आर खान बेल्टिंग वाला चश्मा पहन के एकदम रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं हीरो बनके, और ये साइड में बैठी हुई लड़की केआरके को तिरछी नजरों से देखती है। हाँ हजम होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि केआरके को लड़की तिरछी नजर से देख रही है, लेकिन कर लो। तो भैया ये इतने में जा रहा था, इसकी बाइक की चाबी छूट जाती है, कार की चाबी छूट जाती है, कार बोलने का मन भी नहीं कर रहा केआरके को देख के। उसकी लैम्बोर्गिनी की चाबी छूट जाती है, तो ये लड़की आके उसे देती है, और भाई इसे चाबी देती नजरों नजरों में प्यार हो जाता है केआरके से। ओ भाई मारो मुझे मारो। मतलब केआरके से भी किसी को प्यार हो सकता है? हो सकता है, प्यार अंधा होता है। फिर बासी अगले दिन डेट पे आ जाता है, ये बेल्डिंग वाला चश्मा पहन के चाचा फिर बैठ जाते हैं अपना हीरो बन के, और इनका प्यार श्यार शुरू हो जाता है। मतलब ऐसे सतर्क से चेहरे वाले गालों पे भी किसी को प्यार आ सकता है? प्यार अंधा होता आ सकता है, आ सकता है। क्या? ए, मार दे मार दे मार दे, कूद के उसकी सांस रोक दे, एकदम गला दबा दे, मार दे। तिंगल लौंडों की नजरों में जुर्म है ये जुर्म। अबे रो क्यों रहा है? अबे क्यों नहीं रो मैं? यहाँ बुड्ढे बुड्ढे पिल्लो फाइट कर रहे हैं, हम सिंगल लौंडे मर रहे हैं। आई कैन फील यू ब्रो, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इस वैलेंटाइन तो सिंगल नहीं रहेगा। ऑल थैंक्स टू हैपन ऐप। हैपन? व्हाट हैपन? हैपन एक एप्लीकेशन है जहाँ पर तुम नए नए दोस्त बना सकता है, जस्ट तू कहीं भी रोड पे जा रहा है, जितने भी आसपास तेरे लोग होंगे उनकी प्रोफाइल तुझे हैपन ऐप पे शो हो जाएगी, फिर तू उनकी प्रोफाइल लाइक कर सकता है, और अगर उन्होंने भी तेरी प्रोफाइल लाइक बैक की देन यू गेट अ क्रश, उसके बाद तू मैसेजेस में बात कर सकता है। और देख जैसा भी टाइम चल रहा है एकदम पॉसिबल नहीं होता बाहर डेट पे जाना, तो तू वर्चुअली डेट पे आ सकता है वीडियो कॉल की मदद से, अपना मस्त बात बात करके अपना बेटर कनेक्शन बिल्ड कर सकता है। अच्छा जी। और तू अगर हैपन पे प्रोफाइल वेरीफाई कर लेगा ना, तो तुझे और ज्यादा क्रशेस मिलेंगे।
डाउनलोड हैपन ऐप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड दिस वैलेंटाइन फाइंड समवन हु रियली लव्स यू। अब तो यू गर्लफ्रेंड बना दूंगा यू गर्लफ्रेंड। बाकी इस म्यूजिक वीडियो का एंड ऐसे होता है कि ये जो लड़की होती है सीक्रेट एजेंट होती है और के आर के लिए कुछ कुछ सब कुछ ये पैसे के लिए कर रही होती है। ओके गाइस अभी हम कमाल आर खान सर के रोस्टिंग स्किल्स देखने वाले हैं एकदम। सो रिसेंटली जो है कैरी मिनाटी को मूवी के अंदर रोल मिला। कैरी मिनाटी एक यूट्यूबर है, पता ही होगा ज्यादातर लोगों को, तो एक दो होंगे जिन्हें नहीं पता। आज मैं रिव्यू करूंगा कैरी मिनाटी का। ओके यूट्यूब पे जो है बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लोग आ रहे हैं। पहले मूवीज रिव्यू होती थी, फिर ट्रेलर रिव्यू होने लगे, अब भाई बंदों ने सीधे इंसानों का रिव्यू करना शुरू कर दिया। अजय नागर का रिव्यू क्या? नागर क्यों रखा है नाम तूने? सीधा नगर ही रख लेता। वाह चाचा बहुत बढ़िया, तुम तो बड़े हैवी रोस्टर हो भाई। साला सबसे पहले मुझे बताओ अपना नाम खुद कौन रखता है, वो भी बचपन में? नहीं निकनेम विकनेम है बाद में रख सकते हैं, जैसे कैरी नाइट उसने बाद में रखा, लेकिन अपना नाम कौन रखता है खुद से, और वो भी सर नेम? प्यार के जो है हमेशा नशे में रहता है, बकचोदी के नशे में। इसको लोगों की माँ बहन करने का बहुत शौक है, तो इसको आज मैं बताऊंगा कि बेटा सही तरीके से माँ बहन कैसे होती है, तो फौरन हेडफोन्स लगा लो। ओ भाई क्यार के सर को गुस्सा आ गया भयंकर, आज सबकी माँ बहन एक कर देंगे। वो हेडफोन लगाओ जल्दी, मैंने लगा लिया तुम भी लगाओ। भाई मदर सिस्टर तो रुमाल आर खान की पहले ही एक हो चुकी है, यूट्यूब से वीडियो रिमूव हो चुका है, यूट्यूब ने कर दिया है। मैं खुद भयंकर इंस्टा अकाउंट पे जाके देख रहा हूँ। ये अजय में एक ही जगह ई क्यों लगाया है? मतलब ई लगाने से तू बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, शक्ल तेरी हथियार के टोपे जैसी, चला है एक्टर बनने सुपरस्टार बनने, और ऊपर से नाम की स्पेलिंग भी चेंज कर रहा है। मतलब कमाल आर खान भी लाइक तुझे जो करना कर, लेकिन नाम की स्पेलिंग कैसे बदल सकता है तू? है नाम की स्पेलिंग बदली तो बदली कैसे तूने? तू वीडियो बनाता था वो अपनी दिल्ली की खोली में बैठ के, एक तरफ तेरा बेड पड़ा हुआ है जिसपे तू सोता है, एक तरफ एक कुर्सी पड़ी हुई है, बीच में बैठ के तू वीडियो बनाता था। YouTube पे जितना भी कमेंट्री चैनल लगभग सबका सेटअप जो है सही है, साइड में बेड पड़ा होगा, बीच में कुर्सी होगी, फिर भी ये जो सेटअप है वो सफेद चूने लगी दीवार के आगे खड़े होकर वीडियो बनाने से तो अच्छा ही है। तू कहीं भी खड़े होकर कोई भी वीडियो बनाए यार, उससे जगह से थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है। तेरी शक्ल जो है ना वो छचुंदर जैसी है, चला एक्टर बनने, और चलता कैसा है तू? एकदम कोमल कोमल लड़कियों जैसे पे तेरी एक भी बाल नहीं है, और ऊपर से कहता है कि तू एक्टर बनेगा। गाइस सुनो, एक्टर बनने के लिए तुम्हें लगता होगा अच्छी एक्टिंग आनी जरूरी है? नहीं। ढंग से बात करना आना जरूरी है? नहीं। पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए? नहीं। तुम्हारी रामगली पे इतने बाल होने चाहिए? ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? मतलब जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर है उन्होंने सबने नीचे मांग बना रखी है, बीच की मांग अपने अपने बालों से। अरे भयंकर रुक जाओ थोड़ी देर, दो मिनट आ रहा। बाथरूम से आया मैं भी अभी, चेक करके मेरी बहन ही है। ओके पता है आज तक मैंने तेरा रिव्यू क्यों नहीं किया था? क्योंकि बेटा तू कुछ था नहीं, तेरी कोई औकात नहीं थी, तो तेरे बारे में वीडियो बनाना, तेरे बारे में कुछ कहना, जैसे तू लोगों की माँ बहन करता है वैसे ही तेरी माँ बहन करना, तुझे पब्लिसिटी देना था, इसलिए मुझे तुझे पब्लिसिटी देनी नहीं थी। लेकिन बेटा अब तू बन गया एक्टर, अब तू आ गया बॉलीवुड में, तो अब मेरी रामकली से बहुत तेज तेज आग की लपटें निकल रही हैं, इतनी तेज कि चार शादियों में तंदूरी रोटी की भट्टी की जगह मेरी रामकली लेके जा चुके हैं लोग, उसमें बैठ कर रोटियां सेक रहे हैं, और वहाँ आग बहुत अच्छे से लग जाती है क्योंकि वहाँ पे बाल बहुत सारे हैं। और दोस्तों इन फिल्म वालों का दोगलापन देखो, अगर कोई चूतिया भी कह देता है तो ये कहते हैं वो तो गालियां देता है, वो तो बहुत बदतमीज आदमी है। और ये कैरी मिनाटी जो फेमस ही लोगों को गालियां दे देकर हुआ है, जिसका काम ही लोगों को गालियां देना है, उसको ये फिल्म वाले रोल दे रहे हैं।
उसको कह रहे हैं बेटा तू बहुत अच्छा आदमी। ओके ओके, तो ये जो चाचा है अपना दिमागी संतुलन खो चुका है, या फिर जो इनका दिमाग निकाल के भाई खाई में फेंक दिया दूर कहीं। सो लोगों को लगता है भाई कि गाली वाली, ये गाली देता है, ये गंदा इंसान है, ये गाली देकर फेमस हुआ है, ये कह रही ही नहीं, बाकी जो यूट्यूबर है मुझे ही बोलते हैं लोग। लेकिन सिर्फ गाली देने से हर कोई फेमस नहीं होता है, कभी कोई एक दो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मतलब करियर नहीं बना पाएगा ऐसा अपना सिर्फ गाली दे दे के। टैलेंट, मेहनत, बहुत सारी चीजें चाहिए। गाली तो देखो सभी देता है, कुछ लोग अकेले में, कुछ लोग दोस्तों के साथ, कुछ लोग कैमरे के सामने। मतलब हाँ, गाली देना गलत बात है, तुम अपने से बड़े या फिर पेरेंट्स के सामने नहीं दे सकते, बाकी सब हर कोई देता भाई। तुम्हारे पेरेंट्स भी अपने दोस्तों के साथ, तुम भी अपने दोस्तों के साथ, हम भी अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि तू कहां बैठा है, किस खोली में बैठ के ये वीडियो बना रहा है। अब तो आ गया है बॉलीवुड में, तेरा एड्रेस, तेरा फोन नंबर, सब कुछ हमारे पास आ गया। अब तू गाली दे के बता, अब तू वो हरकतें जो करता था वो करके बता। जिस दिन करेगा उसी दिन बारात तेरी खोली पे आएगी। अरे भयंकर, अरे भयंकर, खुला खुला थ्रेट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे कि साले कुछ भी बोलेगा तुझे घर से उठा लेंगे। अरे भाई सही बात, छावा यूट्यूब से, यूट्यूब ने वीडियो हटा दिया। अच्छा, अरे हटाया है, मेन बात बताता ना, मेन बात क्या है, देखो ये भाई ये मूवीज कर करके बॉलीवुड से सीधा है यूट्यूब पे, अभी कोई यूट्यूब से बॉलीवुड में जा रहा है तो चाचा की फूल एकदम। चलो ठीक है, खत्म करता हूं, तुम्हें वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और क्या कहते हैं, हैप्पन ऐप भी डाउनलोड कर लेना। जल्दी मिलेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। और मैं भी जा रहा हूं, मुझे अपनी रामकली पे बालू बनना, एक्टर बनना मुझे। सीरियसली बहुत फनी था ये, जिस तरीके से केआर के ये कह रहा होगा कि बाबा तेरे को रोस्ट करके तुझे पब्लिसिटी देना नहीं चाहता था, पर अब रोस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली माय पॉइंट कि वो इंसान यूट्यूब से मूवीज करने लगा और तू मूवीज से यूट्यूब, आना तो था ही मूवीज से यूट्यूब पे। देखो एक तो ये कैरी मिनाटी को कह रहे कि गाली दे दे के फेमस हो रहा है, तो केआर के क्या कर रहा है, केआर के ट्वीट कर करके, बड़े बड़े स्टार्स के आगे ट्वीट कर करके या ऐसी चीजें बोल बोल के, कुछ उठपटक हरकतें कर करके तो फेमस हुआ है ना, मतलब एग्जैक्टली मेरी नजर में तो यही है। एंड देन दूसरों पे ये उठा था, एंड सबसे पहले वो गाना देख के तो कोई भी उनको मूवीज से उठा के फिर तू तेरा देख ले भाई और यूट्यूब कर, कोई भी इसको नहीं लेगा मूवीज में, एक्टिंग देख के तो नहीं लेगा। और कैरी मिनाटी का मतलब मुझे लगता है सिर्फ मूवी की अनाउंसमेंट ही हुई है, शायद शूटिंग चालू हुई है एंड लोग पीछे पड़ गए उसके, सिर्फ चालू ही हुआ है और लोग पीछे पड़ गए, अभी मूवी आने तो दो, देखने तो दो भाई कैसा काम किया है, उसके पहले ही तुम रोस्ट करने का चालू कर दोगे। एंड एक्चुअली एग्जैक्टली माय पॉइंट, ये फेमस होने के लिए किया हुआ और क्यों करेंगे और, है ना, तो जस्ट व्यूज व्यूज थोड़ा सा और सुर्खियों में आए इसलिए हुआ होगा। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो कैरी मिनाटी रोस्ट ऑफ धीरू मोंटी। आपको प्लीज ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा शेयर करो गाइस, ताकि आपके भी उसमें मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आले था।